इमेजिन आप किसी कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। आपने अपने बॉस से कहा मुझे 1 करोड़ का एड स्पेंड बजट दीजिए। व्हाट इज द क्वेश्चन दैट योर बॉस विल आस्क? हाउ मच एडिशनल बिजनेस विल यू गेट इफ यू स्पेंड 1 करोड़ ऑन एड्स, राइट? मतलब इफ यू स्पेंड 1 करोड़ ऑन एड्स यू विल ट्राई टू अर्न मोर देन 1 करोड़ इन रेवेन्यू, राइट? दिस एडिशनल बिजनेस यू आर गेटिंग फ्रॉम योर स्पेंड कैन बी कॉल्ड एज डेल्टा। व्हाई? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन फ्रॉम ऑप्शंस। वहां भी डेल्टा का कॉन्सेप्ट होता है। हाय, आई एम ऋषभ शर्मा एंड दिस इज एस्प्रेसो बूटकैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। सो लेट्स सी व्हाट इज मेंट बाय डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन, हाउ डू कॉल एंड पुट ऑप्शन प्राइसेस बिहेव ड्यू टू द चेंजेस इन द अंडरलाइंग एंड इम्पैक्ट ऑफ टाइम एंड वोलेटिलिटी ऑन डेल्टा। जैसा हमने पहले वीडियो में देखा था, डेल्टा मेजर्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। कॉल ऑप्शन के प्राइसेस का अंडरलाइंग के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन होता है और वहीं पुट ऑप्शंस का अंडरलाइंग के प्राइस के साथ नेगेटिव कोरिलेशन होता है। इसीलिए जब कॉल ऑप्शन बढ़ता है तब उसका डेल्टा पॉजिटिव होता है, सिमिलरली जब पुट ऑप्शन बढ़ता है तब उसका डेल्टा नेगेटिव होता है। मान लेते हैं निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन है जिसका स्ट्राइक प्राइस 17,500 है और उसका प्रीमियम 90 रुपीज है और डेल्टा उसका 0.6 है। निफ्टी के स्पॉट प्राइस उस टाइम 17,534 है। इसका मतलब अगर स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट से बढ़कर 17,550 हो जाती है तो कॉल ऑप्शन बढ़ेगा 30 रुपीज से, क्योंकि 50 पॉइंट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.6 इज 30 रुपीज। तो कॉल ऑप्शन हो जाएगा 90 + 30 विच विल बी इक्वल टू 120 रुपीज। पुट ऑप्शंस आल्सो गेट अफेक्टेड इन अ सिमिलर फैशन, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट हियर व्हेन द अंडरलाइंग एसेट फॉल्स द पुट ऑप्शन राइजेस। डेल्टा इज ऑफन यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू प्रेडिक्ट वेदर एन ऑप्शन विल एक्सपायर इन द मनी। चलिए देखते हैं डेल्टा और कॉल ऑप्शंस के बारे में। कॉल ऑप्शंस का डेल्टा 0 से 1 की रेंज में होता है। एट द मनी कॉल ऑप्शंस का डेल्टा 0.5 के करीब होता है, मतलब 50% चांसेस हैं कि वो इन द मनी एक्सपायर हो जाएंगे। इन द मनी कॉल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हैव अ डेल्टा ऑफ बिटवीन 0.5 to 1 एंड डीप इन द मनी कॉल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जनरली हैव अ डेल्टा ऑफ 1। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी इन द मनी है और इनके इन द मनी एक्सपायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आउट ऑफ द मनी कॉल्स का डेल्टा 0 से 0.5 के बीच होता है। इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए ये कम सेंसिटिव होते हैं और इनके इन द मनी एक्सपायर होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। डीप आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस हैव नियर टू 0 डेल्टा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पुट ऑप्शंस एंड डेल्टा। पुट ऑप्शंस का डेल्टा -1 से 0 के बीच में रेंज करता है। एट द मनी पुट ऑप्शंस का डेल्टा -0.5 के करीब होता है, मतलब 50% चांसेस हैं कि वो इन द मनी एक्सपायर हो जाएंगे। इन द मनी पुट ऑप्शंस हैव अ डेल्टा ऑफ बिटवीन -1 to -0.5 एंड डीप इन द मनी पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हैज अ डेल्टा वैल्यू ऑफ नियर टू -1। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑलरेडी इन द मनी है और इनके इन द मनी एक्सपायर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस हैव अ डेल्टा ऑफ -0.5 to 0। इनकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसलिए ये कम सेंसिटिव होते हैं और इनके इन द मनी एक्सपायर होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। डीप आउट ऑफ द मनी कॉल्स का डेल्टा 0 के करीब होता है। एज यू कैन सी इन द ऑप्शन चेन, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स हैव द हाईएस्ट डेल्टा वैल्यू एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैव द लीस्ट डेल्टा वैल्यू। डेल्टा आउट ऑफ द मनी से एट द मनी की तरफ मैक्सिमम होता है और एट द मनी से इन द मनी में धीरे धीरे कॉल्स और पुट्स दोनों के लिए फ्लैट होता जाता है। लेट्स टॉक अबाउट एक्सपायरी एंड वोलेटिलिटी नाउ। वोलेटिलिटी एंड टाइम टू एक्सपायरी अफेक्ट्स द ऑप्शंस डेल्टा। अगर हम कंपेयर करें तो इन द मनी कॉल जिसका एक्सपायरेशन पीरियड ज्यादा है और कॉल जिसका सेम स्ट्राइक प्राइस है लेकिन एक्सपायरेशन कम है, तो दोनों में से ज्यादा एक्सपायरेशन टाइम वाले का कॉल का डेल्टा हमेशा ज्यादा होगा। और यही हम अगर इन द मनी कॉल की जगह आउट ऑफ द मनी कॉल की बात करें तो एक्सपायरेशन टाइम वाला डेल्टा ज्यादा होगा। इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट नियर एक्सपायरी, द डेल्टा वैल्यू ऑफ इन द मनी कॉल ऑप्शन विल गो क्लोज टू 1 and the delta value of at the money call options will go close to 0.5 and the delta value of out of the money call options will be at 0. As the volatility increases, the delta goes close to 0.5. wahi volatility kam hone par out of the money calls aur puts ka delta 0 ki taraf, in the money calls ka delta 1 ki taraf aur in the money puts ka delta -1 ki taraf ho jata hai. आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको डेल्टा काफी अच्छे से समझ आया होगा।
अगर आपको इन टॉपिक्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाके सारे के सारे चैप्टर्स चेक कर सकते हैं. Tell us what you think of this video in the comment section below and make sure to like, share and subscribe. मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.